डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कहा है कि आपको चुनाव लड़ना होगा, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी है, कोई स्पेस नहीं छोड़नी है, आपको भी आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में ही चुनाव लड़ने होंगे। 5 अगस्त 2019 नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का मित से 370 धारा 370 खत्म होती है, 35A का खात्मा होता है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं बीजेपी को छोड़कर सभी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी के बाद एक लंबे समय तक वो गिरफ्तार ही रहते हैं, गिरफ्तारी के बाद जब एक एक करके बाहर आना शुरू करते हैं तो ये नेता सबसे पहले कहते हैं कि पंचायत के चुनावों की घोषणा सरकार करती है तो कहा जाता है कि हम पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और आपने धारा 370 हटाई है। उसके बाद डीडीसी और बीडीसी के जब चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सभी दलों ने इस पर पुनर्विचार किया और डीडीसी के चुनाव में हिस्सा लिया। अब इस समय स्थिति क्या है? आज स्थिति यह कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनने के फौरन बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तीन बहुत अहम बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि 2018 में जो पंचायत के चुनाव हुए उन चुनावों को ना लड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी और आने वाले कल में जितने भी चुनाव होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सभी चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो थोड़ा आगे गए, उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी को बताना चाहता हूं कि जो पंचायत के चुनावों का बहिष्कार था वो एक बहुत बड़ी गलती थी, ये याद रखिए, हम आने वाले कल में कोई भी चुनाव आए हम उसे लड़ेंगे, हम उसका बहिष्कार नहीं करेंगे और लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और उसके बाद अपने सुपुत्र की ओर देखते हुए कि उमर अब्दुल्ला ने तो कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन मैं अपने बेटे से कहता हूं कि अब जब भी चुनाव होंगे आप चुनाव लड़ेंगे। उसका कारण यह है कि अगर हम इनके साथ लड़ेंगे नहीं, जब तक हम इनके साथ लड़ेंगे नहीं हम जीतेंगे नहीं, सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हम लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सबको मिलकर लड़ना होगा, हम सबको चुनाव लड़ने होंगे तभी जाकर जीत हासिल होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पूरी पूरी कोशिश करेगी हमारी लॉयल्टीज खरीदने की, यानी बीजेपी पूरी कोशिश करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लॉयल लोग हैं, जो वफादार लोग हैं, उन वफादार लोगों को अपनी तरफ करने की, उनको खरीदने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इशारा किसकी तरफ दिया है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? लेकिन उन्होंने ये कहा कि भगवान जितने भी बीजेपी के मंसूबे हैं उन मंसूबों को विफल करेगी। उसके बाद उन्होंने फौज को लेकर भी एक बात कही और ये जो स्वर उनके हैं ये समझ से परे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फौज को लेकर जो बयान दिया उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं एक समय डोडा गया, डोडा में चुनाव हो रहे थे और उन चुनावों के दौरान मैं एक पोलिंग स्टेशन पर गया जो पोलिंग स्टेशन डोडा के गांव में था। मैंने वहां पर देखा कि मैंने वोटिंग जो वोटिंग मशीन थी वो आर्मी कैप में रखी गई थी, मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा। जब मैंने कहा कि वहां पर कोई क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा कि जनाब यहां पर वोट डालने कोई नहीं आया। फिर मैं गांव में गया और मैंने एक दुकानदार से पूछा कि हमें, जब मैंने दुकानदार से पूछा कि यहां वोट डालने कोई क्यों नहीं गया तो उन्होंने कहा कि फौजियों ने उन्हें यह कहा था कि आप वोटिंग मशीनों के पास आएंगे नहीं वरना वो उनकी टांगे तोड़ देंगे। मैं फौज को और सरकार को बताना चाहता हूं कि आप चुनाव में हस्तक्षेप ना करें वरना तूफान आएगा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज दिया है। इस बयान में तीन बातें बहुत अहम हैं। पहली बात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि उनका बेटा भी चुनाव लड़ेगा आने वाले कल में। उन्होंने अपने बेटे को भी कहा कि आपने तो कहा है कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपको चुनाव लड़ना होगा। दूसरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी साफ किया कि आने वाले कल में असेंबली के चुनाव हो या ना हो, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव ही अगर जम्मू कश्मीर में होंगे वो उन चुनावों को भी लड़ेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि फौज चुनाव में हस्तक्षेप ना करें, हस्तक्षेप किए बगैर चुनाव को सफल होने दे, अगर फौज ऐसा करेगी तो उसके बाद एक तूफान आएगा जिस तूफान को वो नहीं थाम सकेंगे।